आप लोगों को वृंदावन में रहते देखकर हमारा भी मन वृंदावन में रहने का करता है। आप रोज धाम की परिक्रमा करते हैं, हम भी करना चाहते हैं। हमारी फैमिली भी वृंदावन में रहना चाहती है, क्या हम रह सकते हैं? प्लीज हमें गाइड कीजिए कि हम वृंदावन में कैसे रह सकते हैं। हमें रोजाना ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डिवोटीज के जो धाम में वास करना चाहते हैं, मगर उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सवाल हैं जो वो हमसे पूछते हैं। हम कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के धीरे धीरे आंसर्स देने की, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। वृंदावन धाम में कौन रह सकता है? वृंदावन धाम में रहने के लिए आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो वृंदावन में हम अपनी मर्जी से चाह कर भी नहीं आ सकते। जब तक हमारी प्यारी राधा रानी की कृपा और हमारे गुरुदेव की अनुमति ना हो, तो हम सभी को सच्चे मन से लाडली श्री राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। राधा रानी से हमें कृपा की गुहार लगानी चाहिए कि वो हमको अपने श्री चरणों में वास दे। उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। हमें एक संत जी ने बताया था कि जब दो लोगों का रिश्ता जोड़ा जाता है तो उन दोनों की पसंद को जाना जाता है। एक दूसरे की पसंद होने पर ही रिश्ता जोड़ा जाता है। ठीक उसी तरह हमारे ये चाहने से बात नहीं बनेगी कि हम वृंदावन में वास करना चाहते हैं। हमें ठाकुर जी, श्रीमती राधा रानी और गुरुदेव की परमिशन की जरूरत पड़ती है, और उनकी परमिशन हमें मिल सकती है। अगर हम वृंदावन में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आना चाहते हैं तो मिल सकती है। अगर हम धाम में सेवा करने के लिए आना चाहते हैं तो मिल सकती है। अगर हम मोह माया से बचकर कृष्ण की शरण में रहना चाहते हैं तो मिल सकती है। अगर किसी कारणवश आप जहाँ रहते हैं वहाँ भक्तों का संग ना मिल पा रहा हो और आप भक्तों का संग चाहते हो तो मिल सकती है। अगर किसी के लिए द्वेष ना हो और मन में कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचे और वृंदावन की महत्वता को हमेशा याद रखें तो मिल सकती है। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दें और फिर वो जैसी भी परिस्थिति में हमें रखना चाहे रखें और हम विनम्रता से उनकी कृपा को प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट कर लें तो मिल सकती है। शहर का लाइफस्टाइल छोड़कर एक बहुत सिंपल सा लाइफस्टाइल अपना सकते हैं तो मिल सकती है। हरि नाम ही केवल एकमात्र उद्देश्य है हमारे जीवन का और दूसरा कुछ नहीं तो मिल सकती है। यहाँ बसने की इच्छा रखने वालों का संसारिक कोई उद्देश्य ना हो, बहुत पैसा कमाना, लग्जरियस लाइफ जीना, बहुत बड़ा घर, मॉडर्न फैसिलिटीज की इच्छा होना, अगर ऐसे उद्देश्य ना हो तो मिल सकती है। तो अगर आपको वृंदावन में रहने की अनुमति चाहिए श्रीमती राधा रानी से तो इन बातों पर एक बार जरूर ध्यान दें। अगर आपके विचारों में, आपके डेली लाइफ में, आपकी डिवोशनल प्रैक्टिस में ये सभी पॉइंट्स शामिल हैं तो आप बस थोड़ा प्रयास करें और बाकी सब राधा रानी पर छोड़ दें। हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी वृंदावन में आने के लिए दिल से अभिलाषा करता है उन्हें श्रीमती राधा रानी और कृष्णा वृंदावन जल्द से जल्द बुलाएं। जल्द ही हम आपसे कुछ ऐसा शेयर करने वाले हैं जिसको देखकर आप लोग इंस्पिरेशन ले सकें कि अगर हम धाम में रहेंगे तो रेगुलर इनकम के लिए क्या किया जाए। हम सिर्फ बताएंगे नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधेश्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम।